अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांची न्यूज और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन, नवाज शरीफ को कोड लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी। साबिक वजीर आजम के लिए सर्विसेज अस्पताल में वीवीआईपी कमरा तैयार, दो बेड्स, टीवी और फ्रिज की सहूलत। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तबीयत की बेहतरी तक नवाज शरीफ अस्पताल में रहेंगे। साबिक वजीर आजम से हुकूमत का सलूक काबिले मजम्मत है, तर्जुमान नून लीग का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं रिश्तेदारों को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट न देना अखलाकी पस्ती का आकाश है। पैरागोन स्कैंडल की समाअत, ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने साद रफीक और सलमान रफीक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तब्दीली के सफर में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे, वज़ीर-ए-आला पंजाब का अवामी खिदमत जारी रखने का आज़म। उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिका दवार में कौमी वसाइल नुमाइशी मंसूबों पर ज़ाय किए गए। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। मोबाइल चोरी की दरखास्त क्यों दी, पेंसरा रोड फैसलाबाद में टोनी गैंग की गुंडागर्दी। मुलजिमान का नौजवान पर हंटर से तशद्दुद, हफ्से बेजा में भी रखा, मुकदमा दर्ज। एफआईआर में नामजद एक मुलजिम समेत तीन अफराद गिरफ्तार। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मुलजम जाँ बहक, बिलाल को पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। एसएचओ थाना तैमूरिया ने मुलजिम को नशे का आदि करार दे दिया। डीआईजी वेस्ट का नोटिस, मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। पिशावर में घरेलू झगड़े पर खून की होली, नौजवान को फायरिंग से बाप और दो भाई जाँ बहक, वारदात के बाद मुलजिम फरार। मेलसी में खातून ने शादी की ख्वाहिशमंद नौजवान को कत्ल कर दिया, मुलजिमा की निशानदेही पर सहन में दफन शुदा लाश बरामद। एमक्यूएम पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा, एफआईए ने खिदमत हल्क फाउंडेशन की 48 गाड़ियों को मशकूक करार दे दिया। महकमे एक्साइज सिंध से रिपोर्ट तलब, तफ्तीशी ऑफिसर ने हक की पूल एटीसी में जमा करा दी। एटीसी कराची में साने 12 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत, मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुलजिमों पर तरमीम शुदा फर्द जुर्म आयद, मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार, 17 मफरूर मुलजिमों के नाकाबले जमानत वारंट जारी। तेज रफ्तारी और गफलत ने सफे मातम बिछा दी, खैरपुर में ऑयल टैंकर की मुसाफिर वैन और कार से टक्कर, हादसे में तीन अफराद जाँ बहक, पांच जख्मी। आरवाला में ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, शहरियों का एहतजाज। NA91 सरगोधा के 20 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग, हल्के में दोबारा गिनती के दौरान थैलों की सीने टूटने और टेम्परिंग के इंकशाफात पर रीपोलिंग का हुक्म दिया गया था। नून लीग और पीटीआई में कांटे का मुकाबला, सिक्योरिटी सख्त। फरवरी में भी सर्दी की शिद्दत कम न हुई, कराची में ठंडी हवाओं का राज, मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद राबिता सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अमेरिका को मुंजमद करने वाले बर्फानी तूफान का जोर टूटने लगा, शिकागो और डिकोटा समेत मुख्तलिफ रियासतों में आज से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान, सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा। यूरोप में सर्दी की शिद्दत बरकरार, स्कॉटलैंड में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बड़ी ताकतों में एटमी हथियारों की दौड़ फिर शुरू होने का खदशा, अमेरिका ने रूस के साथ जौहरी हथियारों का माहिदा मुअत्तल कर दिया। सोवियत यूनियन और वाशिंगटन के दरमियान 1987 माहिदे पर दस्तखत हुए थे। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.saajnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।